हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आज है 13 मई और दिन है सैटरडे और कल संडे है। तो अभी मेरे पास उबर की बहुत दिनों से कॉल आ रही थी कि आप एक राइड ले लो तो आपको 150 रुपये मिल जाएगा। तो काफ़ी दिनों से आ रही थी, तो कल लास्ट डेट है 14 तारीख, संडे तक का टाइम दिया हुआ है। तो मैं एक बार देखता हूँ, चेक करता हूँ कि एक राइड ले करके कि एक राइड लेने से क्या उबर के अंदर 150 रुपये मिलेंगे। तो चलो मैं एक राइड लेता हूँ और फिर बात करता हूँ आपसे और चेक करता हूँ कि 150 रुपये आते हैं कि नहीं आते एक्स्ट्रा। अभी वो कह रहे थे कि आप राइड लोगे तभी आपके 150 रुपये मिलेंगे। चलो मिलते हैं आपको राइड पे और फिर दिखाता हूँ आपको लाइव राइड। तो ये बहुत दिनों बाद मैंने लॉगिंग किया है अभी मैं, क्योंकि मैंने यार बाइक टैक्सी छोड़ दी है। तो अब आप लोगों को ज़्यादातर नॉर्मल ब्लॉग दिखाने की कोशिश करूँगा और कुछ शायद अभी उत्तराखंड जाने का प्लान है मेरा, तो उत्तराखंड जाने का भी ब्लॉग आप लोगों को एक बार डालूंगा उसके ऊपर और देखते हैं चलता नहीं चलता। बाकी तो यार सपोर्ट करना, यार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं कुछ आगे ब्लॉग वगैरह बना पाऊंगा, क्योंकि यार ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे, ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, इसलिए यार ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा। तो अभी बाइक टैक्सी का तो हालत बहुत ख़राब है इस समय, और अभी इस समय कंडीशन भी मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी मार्च वगैरह के क्लोजिंग में बिजी था। एक दो ब्लॉग डालने की कोशिश की थी और रेगुलराइज करने के ट्राई किया था मैंने, रेगुलराइज नहीं हो पाया मुझसे। तो फिर आप लोगों से चलो मिलते हैं फिर और रेगुलराइज होने की कोशिश करता हूँ। बाकी नीम करोली यहाँ जाना है मुझे अभी उत्तराखंड, तो सोच रहा हूँ अपने एवेंजर से जाऊँगा या तो फिर ट्रेन से जाऊँगा, फिर आगे स्कूटी हायर कर लेंगे, नहीं तो देखेंगे फिर वहाँ से बस से भी जाएंगे। भाई किसी को भी देख रहा हूँ, अगर कोई जाने वाला होगा तो फिर उसके साथ जाऊँगा। तो बाकी मिलते हैं, चलो राइड पर आपसे फिर बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी एक ट्रिप लिया है जिसमें मुझे उबर ने 14 रुपीज़ दिया है, 14 रुपीज़ 29 पैसा। बट कस्टमर ने मुझे उससे पहले पेटीएम, क्योंकि मेरा नेटवर्क वगैरह की इशू आ रहा था तो चल नहीं रहा था उबर, तो उन्होंने क्या किया मेरे पास 30 रुपीज़ दिखा रहा, तो उन्होंने 30 रुपीज़ मुझे पेटीएम कर दिया और मुझे 30 रुपीज़ कस्टमर ने दे दिया, लेकिन उबर ने मुझे 14 रुपये दिए। चलो यार कोई बात नहीं, जो भी है देखते हैं फिर। देखो एक और कॉल आ गई, देखो दिखाता हूँ। अभी मेरे पास एक और कॉल आ गई है, चलो देखते हैं किसकी कॉल है। यार यहीं पर है कहीं पे, ख्याल से हाईवे क्रॉस करके है। कहाँ खड़े हैं भाई साहब? आप ही हैं? आपके पास ना 4 डिजिट का पिन होगा। चलो चलो, क्या डाल दोगे अंकल जी? आगे बैठ जाओ, इसको बंद कर दे तो इसको अपने आप बंद नहीं होता है। हो गया, चलो ऊपर से चलेंगे, इधर तो पूरा बंद है। नहीं कट था छोटा सा अभी ना, हाँ वो रहा। अंदर चलना है, बाहर ही छोड़ दो। अंदर चलूँ? चलिए छोड़ दो ना।
सीधे चलो। अच्छा अच्छा यहाँ से रास्ता है, चल दिखता नहीं है दिखता नहीं है ये वाला रास्ता, अंदर छोड़ना है ना आपको। अभी आ रहा हूँ, बस छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा वैसे अगर आओ लेने किसी को तो बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, पूरा फोटो लेंगे रजिस्ट्रेशन। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है ये, इन्होंने छोड़ दिया, गलत किया। हाँ छोड़ना नहीं चाहिए वैसे, कम से कम गाड़ी नंबर तो नोट करना चाहिए इनको। ये आपका पार्ट टाइम है, ये ऐसे क्या करते हैं आप? पार्ट टाइम में अकाउंट्स में हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, तो यूट्यूब वीडियो बन रही है इस समय राइड की। क्या राइड टू रफ राइड टू? एक सौ तेरह, एक सौ तेरह ना, एक सौ तेरह। तो ये हो जाएगा वैसे, ठीक थैंक यू। तो दोस्तों मुझे अभी राइड मिल गई थी, एक राइड मिली थी घर से जो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, दूसरी राइड में आपको देखा होगा आपने कैमरा ऑन कर लिया था मैंने। बल्लभगढ़ से मुझे राइड मिली थी सेक्टर 86 की ओमैक्स की, तो ओमैक्स में मुझे आने के लिए 113 रुपये मिले थे। अब यहाँ से जाने के लिए मुझे लग रहा है वैसे खाली जाना पड़ेगा। चलो एनीवे जो बाइक टैक्सी का है इस समय चल रहा है, क्योंकि उबर में अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसमें क्या लिखा था कि उबर ने हाई कोर्ट में बाइक टैक्सी के लिए लीगल करने के लिए उसको उन्होंने पिटीशन फाइल कर रखा है, तो अभी अगर कोई चलान होता है तो हम उबर को कॉल कर सकते हैं, उबर ने चीज़ बोली है। चलो एनीवे दिखाता हूँ आपको फिर आगे कि कोई राइड आती है कि नहीं आती है, मिलते हैं आपसे फिर एंड में, आपको बताऊँगा कि ये पॉसिबिलिटी है। वैसे आप लोग राइड ले सकते हो, ऐसे कुछ उबर ने बोला है कि आपको चलान वगैरह होता है तो आप मुझे बता दो। ये बाहर जाने रास्ता है यहाँ से? अच्छा इधर घूम के इस साइड से पीछे से घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा यार बाहर निकलने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा यार यहाँ से। अच्छा ये रहा, मैम बाहर जाने रास्ता यहीं से, तो इधर से क्या यार बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे, कब से घूम रहा हूँ यहाँ पर। ये है एग्जिट, एग्जिट आने का बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा, पूरा घूम रहा हूँ तब से अंदर। एक एग्जिट का बोर्ड लगाना चाहिए वहाँ पर जगह जगह, कुछ जगह लगा कुछ जगह नहीं लगा हुआ, पूछ पूछ के आया हूँ बाहर। ठीक है एक मिनट, चलो मिलते हैं अगली राइड पे, अगर आती है तो दिखाता हूँ आपको। वैसे होम रूल लगा देता हूँ, चलो मैंने डेस्टिनेशन सेट कर दिया है, डेस्टिनेशन लगा दिया। चलो कोई नहीं चलते हैं फिर, और आज की मेरी दो राइड हो गई हैं, एक राइड में 113 रुपये मिला है, दूसरे में 14 रुपये मिला है उबर की तरफ से, बट कस्टमर उस समय मेरा चल नहीं रहा था उबर, तो कस्टमर मुझे 30 रुपीज़ पे कर दिया। एक और आ गया, एक आ गया, ये लो 6 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, देखो जरा चल के 6 मिनट की राइड है यहाँ से, मुझे चलना पड़ेगा 7 मिनट दिखा दिया यहाँ से, और चलो उनको पिक करते हैं, देखते हैं उन्होंने कहाँ जाना है। आप ही हैं सर? एक पिन नंबर होगा 3172। बैठ जाइए, आसपास ही है क्या? हाँ ये पार्क हॉस्पिटल में सेक्टर 10 में। हाँ फिर चलिए कोई, ये रुक दूँ? अच्छा वो, हाँ एक मिनट, 61
थैंक यू। ओके तो दोस्तों भी मुझे 61 रुपीज़ मिले वहाँ से वापसी में, 30, 113 और 61, तीन राइड हो गई। अब मुझे ये देखना है कि जो उबर ने बोला था 150 रुपये वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कल तक की डेट है, 15 तारीख तक की डेट में, 15 तक अगर मैं राइड लेता हूँ, एक भी राइड ले लेता हूँ तो मुझे 150 रुपये मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ये तो मिल ही रहा है। तो चलो मैं अभी घर की तरफ रूट लगा रखा, क्योंकि यार मैं अब ज़्यादा राइड लूँगा नहीं, रात के इस समय बज रहे हैं 10। चलो अब घर चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, और ये वाला जो ब्लॉग अभी मैंने बनाया है इसको एडिट करूँगा, और अभी देखते हैं कोई राइड आती नहीं आती घर तक के रूट में। मेरा घर यहाँ से है करीब, मतलब 7 किलोमीटर है यहाँ से, 17 मिनट दिखा रहा है। तो चलो देखते हैं कोई राइड आती है तो फिर ले लेंगे, नहीं तो घर चलना ही चलना है। बाकी आप लोगों का साथ रहेगा तो यार थोड़ा सा मैं आगे निकलूँगा। चाहता हूँ यार कुछ ब्लॉग वगैरह डालता रहूँ लेकिन कंटेंट नहीं मिलता, और ऊपर से यार मेरा मार्च चल रहा था, मार्च अप्रैल, हमारे ऑफिस का इतना ज़्यादा लफड़ा है ना यार, क्या बताऊँ। जब आदमी जॉब करता है ना तो उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, और अभी मैंने कुछ एक QFX का ज्वाइन किया है। अबे भैंस क्या कर रहा है, कितना गंदा चला रहा है, पूरे बिल्कुल चिपका के ले गया। तब इस बंदे के अंदर इतनी अकल नहीं है कि चलाते कैसे। बड़ा अजीब आदमी यार बंदा, अंधाधुंध चला रहा है और जरा सा हैंडल से 1 इंच थोड़ा सा दूर रहा होगा बस, वरना मार के रगड़ देता मुझे। बड़ा ख़तरनाक है यार रोड पे गाड़ी चलाना रात को। और अभी मैं इस समय हूँ सेक्टर 12 मेरे राइट साइड में है, और सीधा सामने आएगा अभी बाटा चौक हाईवे का फ्लाईओवर, बाटा चौक तो आ गया। तो दोस्तों यार थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ा आगे बढ़ाओ मुझे। बाकी ब्लॉग वगैरह मैं डेली डालने की कोशिश करूँगा, हमेशा डेली का डेली डालूँगा ब्लॉग, तो बेशक छोटा मोटा ब्लॉग डालता रहूँगा लेकिन डालूँगा ज़रूर मैं। अरे निकलने तो भाई, मतलब बंदे को निकलने नहीं देना, क्या करें यार ऐसा ही है। चलो मैंने घर का रूट लगा रखा है और ये दिखा रहा है यार बाटा से लूँ या बल्लभगढ़ से लूँ सोच रहा हूँ यार, तो अंदर से लेता हूँ है ना, चलो अंदर से लेता हूँ, 15 मिनट दिखा रहा है अंदर से। चलो कोई नहीं अंदर से लेता हूँ यार, मैं छोड़ो ये रेड लाइट तो है, पता नहीं यार रेड लाइट का कोई मतलब बनता नहीं बनता, लोग निकल तो रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, अब हम भी निकल लेते हैं फिर साथ में, उसे खतरा रहता है भाई कोई अगर कोई गाड़ी लेके आ गया तो। चलो कोई बात नहीं, हम तो निकलेंगे, बाकी मिलते हैं कोई राइड वगैरह आती है तो दिखाता हूँ आपको। हम तो हेलमेट लगा के चल रहे हैं, सब कुछ करके चल रहे हैं, फिर भी लोग टच करके निकल जाते हैं। घर से फ़ोन आया था कि कहाँ पर हो, क्योंकि यार रात को निकला हूँ बिना बताए राइड लेने के लिए, घर में बैठा हुआ था और अचानक से राइड आ गई तो मैंने पिक कर लिया। कंटेंट सो यार कुछ ना कुछ यूट्यूब पे तो बनाना ही पड़ेगा। बाइक टैक्सी की भाई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊबर में तो कॉल खूब आ रही है दबा के, अभी मैंने होम रूट लगा दिया शायद इसलिए ना आए। भाई हेलमेट वेलमेट लगा लिया करो यार, कहीं गिर गया तो लग जाएगी चोट, हेलमेट लगा दिया करो, और नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं है सब उड़ा रखा है इन्होंने, नंबर प्लेट नहीं है भाई साहब बाइक का, अरे चोरी के भगवान जाने, मतलब ना आगे नंबर ना पीछे नंबर। एनीवे यार कोई बोलने वाला नहीं है इनको, ओ देख के भाई देख के भाई साहब, ये फरीदाबाद में एक चीज़ देखी है मैंने, ज़्यादातर लोगों के नंबर ही नहीं है पीछे। अभी एक बाइक जा रही थी मेरे साथ में, उसमें नंबर प्लेट ही नहीं था उसका भी, पता नहीं यार पुलिस वाले कुछ करते नहीं करते यार। भाई साहब ये आ गया हमारा बाटा चौक, कभी बड़ा गंदा हुआ करता था, अब थोड़ा साफ सुथरा अच्छा हो गया, पंचर हो गई। कितने टैलेंटेड बंदे हमारे फरीदाबाद में, क्या टैलेंट है भाई, पीछे वाला चक्का पंचर है और भाई आगे टंकी बैठा हुआ है और चला रहा है बढ़िया से, मतलब टैलेंट देखो बंदों का। मुस्कुराइए अब फरीदाबाद में, ओ ओ
भाई साहब एक भी बंदा अगर आपको बिना मतलब हेलमेट लगाए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ ज़्यादातर लोग हेलमेट लगाते ही नहीं है। भैया देखो बाइक, ये बाइक जा रही है ना आगे, मेरे भाइयों ने दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखा। पता नहीं यार क्या बहादुरी है, बड़े बहादुर बंदे हैं ये। इन्हें मतलब अंदर गर्व लगता है, गर्व है इनके मतलब अपने आप पे कि हाँ हम हेलमेट नहीं लगा रहे। हम तो भैया हेलमेट लगाएंगे और रूल से चलेंगे। लाइट पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ओ निकाल लेंगे, और निकाल ही लूँगा भाई मैं तो निकाल ही लूँगा। ओ 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 निकल गई, निकल गई, निकल गई भाई, निकल गई। ए हो गई, येल्लो हो गई, निकाल ली भाई, बहुत बड़ा तीर मार लिया। जय बोले कि अब राइड नहीं आई क्योंकि मैंने अपना इसमें होम रूट लगा रखा है। होम रूट मतलब घर जा रहा हूँ तो घर तक जाने के लिए मैंने वहाँ तक रूट लगा रखा है। जो भी राइड मिलेगी वहाँ मिल जाएगी वहाँ के लिए, इसलिए डेस्टिनेशन सेट कर दिया था मैंने क्योंकि यार मेरा लॉस ना हो, इसलिए एक राइड मिल गई थी 61 रुपीज़ वाली, रास्ते में ही थी वो, वहीं छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल लिया। भाई साहब पूरा रोड खाली है, रात को ये फ़ायदा होता है रोड खाली है, लेकिन रात को जो है ना रिस्की भी होता है, बड़ा रिस्की मामला है। मतलब किसी ने अगर ठोंक दिया ना गलती से, भाई साहब आप गए काम से। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। अब हम चलेंगे अपना घर, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे और अपना ये वाला जो ब्लॉग है ना इसको एडिट करके डाल दूँगा। देखते हैं यार कुछ ब्लॉग वगैरह अगर अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो भोलेनाथ सबके साथ। जय भोलेनाथ। इस बार यार मैं गया था पापा का ऑपरेशन कराने के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए। चलो उस समय टाइम भी नहीं था, चलेंगे फिर दर्शन करने के लिए। हम लोग तो पहुंच गए अब, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी यार इसमें एक काम करता हूँ, मैं ना अपना कैमरा निकाल लेता हूँ।